व्यवहार उपखंड मुख्यालय पे एक तो व्यवहार उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाद श्री नरेश सिंह आपसे दो रहे हैं। दूसरा आप सभी को विदित है कि बाल निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जो मतदाता अजमेर संभाग के संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा आज एक दिवसीय दौरे पर ब्यावर पहुंचे। इस दौरान उनके ब्यावर पहुंचने पर उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह व सहायक पुलिस अधिकारी मनीष चौधरी ने स्वागत किया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके एक दिवसीय दौरे में वह जवाजा पंचायत समिति के ग्राम नरबदखेड़ा में जनसुनवाई का कार्यक्रम व उपखंड अधिकारी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण करेंगे। साथ ही संभागीय आयुक्त ने सहायक पुलिस अधिकारी व उपखंड अधिकारी को ब्यावर में अतिक्रमण, सफाई व्यवस्था के साथ साथ कानून व्यवस्था पर सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। ब्यावर उपखंड मुख्यालय पे एक तो ब्यावर उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाद श्री नरेश सिंह आपसे दो रहे हैं। दूसरा आप सभी को विदित है कि बाल निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 एक जनवरी 2023 को जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उनका कार्य भी चल रहा है। वो 9 नवंबर 2022 को मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है और 8 दिसंबर तक एक महीने की अवधि में जो है मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए, नाम हटाने के लिए, नाम संशोधन के लिए ये आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं। उस काम को भी मुझे चेक करना पड़ता है। उसमें संभागीय आयुक्त अपने संभाग के लिए रोल ऑब्जर्वर होता है। उसी क्रम में उसी के साथ ही जो मैंने अभी ग्राम पंचायत जो है वो राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई होती है प्रथम गुरुवार हर महीने का, उसके तहत जो आज 1 दिसंबर जो है इसमें दिसंबर माह का प्रथम गुरुवार है वहां नरबदखेड़ा भी हम लोग जाएंगे और वहां भी जनता की जो परिवार है उनकी हम सुनवाई करेंगे। तो यहाँ जहां तक ये वार्षिक निरीक्षण का संबंध है मैं जो साहब से ये आग्रह करता हूँ कि जो बकाया प्रेरण के शेष है जैसे भूमि रूपांतरण के है, भूमि आवंटन के है, उनका निस्तारण करेंगे और किसी भी स्तर पर जो पेंडिंग हो उसको पटवार मंडल वाइज आप समीक्षा कर लेंगे कि किस स्तर पर पेंडिंग है। इसके अलावा कोई म्यूटेशन पेंडिंग नहीं करना चाहिए, कोई मंटवा पेंडिंग नहीं करना चाहिए, इस बात की हम समीक्षा कर रहे हैं। और एएसपी साहब के साथ बैठे हैं, दोनों अफसर बैठे हैं, उन दोनों को मेरा ये सुझाव है, अनुदेश है, निर्देश है, सलाह है, जो भी है कि ब्यावर जो कस्बा जो है जिला स्तर का कस्बा है या आपके पीएमओ वगैरह बड़ा हॉस्पिटल है वगैरह सारे सब हॉस्पिटल का भी विशेष जानने के और जो कस्बा है उस कस्बे के अंदर क्या है कि आवागमन आसान इस बात को सुनिश्चित करें कि दुकानदार वगैरह से मन बाहर नहीं रखे और जनता को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। दूसरा नगर परिषद को आप निर्देशित करके सफाई की व्यवस्था अच्छी सुनिश्चित करेंगे, गोल लाइट की व्यवस्था अच्छी रहे और देर रात तक लोग बाहर नहीं बैठेंगे, सड़कों पर गुंडे वगैरह से नहीं रहना चाहिए। और सबसे मूल बात यह है कि यहाँ जो ज्यादा चुनौतीपूर्ण विषय यह है कि शराब की जो दुकानें हैं उसके बारे में मेरा निर्देश है आप लोगों को, एक तो ये इंश्योर करना चाहिए कि जितनी शुक्र तो उतनी चले, ज्यादा नहीं, ये वाले एक्सटेंशन काउंटर टाइप सब रिपोर्टर चले जाते हैं। दूसरा क्या कि 8 बजे के बाद में किसी भी सूरत में नहीं चले, ये आप दोनों आप सोच मेरा बेस्ट है क्योंकि इस एरिया में देखा मेरे सही लोग है और न किसी मतलब कि बिल्कुल दुकानों में शराब वराब पी के आ जाते, बिल्कुल लगे होते हैं। और इसके अलावा मेरा एक राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से जो कोई भी चीजें जितना आप लोगों से लेवल पर बन पड़े लोगों को समझाइश बुझाइश करके ज्यादा उनके विवादों का समाधान करे। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में भी रह गया एक वर्ष से कम समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर, राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग रोजाना 2 विधानसभा दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे स्वामी न्यूज के फेसबुक और YouTube पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध, जानकारी साझा करें, प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।